हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेंस्ट मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सीएस सेकंड यानी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। और यहाँ पर जो इसका आज चैप्टर होगा वो चैप्टर थर्ड होगा। तो देखिए जैसा कि चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड फुल्ली कम्प्लीट हो गया है, प्रीपोजिशन एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड देखिए कोई भी डाउट आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हमने आपको बता दिया था। इसका PDF देखिए जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, जितने भी रूल्स हैं उसको आप लोग देख लेंगे। और देखिए 100% आपका एग्जाम में उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो इसका लेक्चर होगा, यहाँ पर जो कंजक्शन चैप्टर थर्ड है इसका लेक्चर फर्स्ट है, ओके। जिंदगी में देखिए आप कभी भी जो कंजक्शन चैप्टर से आपका देखिए आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, जितना हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उससे 100% आप उसको नहीं फॉरगेट करेंगे, ओके, मतलब आप भूलेंगे ही नहीं एकदम। देखिए इजी वे में एंड ट्रिक के साथ एकदम जानेंगे कंजक्शन देखिए यहाँ पर क्या होता है। और देखिए आप लोग इंस्टा पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी आपको एडवांटेज मिलेगा और आप मोटिवेट भी रहेंगे आप अपनी स्टडी को लेकर, ओके। के जो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बाद में बता देंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर देखिए सीधा कंजक्शन पर, तो देखिए क्या होता है देखिए अगर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कंजक्शन, ओके, कंजक्शन देखिए क्या होता है। एक प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो कंजक्शन आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, आप अपनी प्रीवियस क्लास में अपनी प्रीवियस जो आपकी फर्स्ट ईयर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको ध्यान से भी पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब आपको भूलना नहीं है, जिस प्रकार से आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पर इसको भूल जा रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ है आपकी देखिए कोई भी वर्ड है उसको एक प्रकार से को रिलेट करिए, आप उसको समझिए कि आखिर इसका इस वर्ड का क्या मीन्स है, क्या निचोड़ निकलता है, ओके। तो देखिए कंजक्शन अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो कंजक्शन जो है आप यहां पर देखिए इसका मींस क्या होता है, कंजॉइन, ओके। कोई भी सेंटेंस है आप उसको कंजॉइन मींस आप बाइंडर्स का देखिए कंजक्शन क्या होगा, जो बाइंडर्स का काम करेगा, बांधने का काम करेगा सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, सभी को क्या करेगा, एक बाइंडर्स का काम करेगा, ज्वाइनिंग करने का काम करेगा, एक सेंस प्रोवाइड मतलब एक प्रकार से देगा, ठीक है, तो वो हमारा होता है कंजक्शन, ओके। अब यहां पर देखिए एक ऐसी आपको डिफिनीशन बताएंगे कंजक्शन की, आप उसको भी नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या पढ़ रहे हैं, सीएस सेकंड पढ़ रहे हैं, ओके। सीएस सेकंड में क्या, कंजक्शन, ओके। सीएस सेकंड देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और जो इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, कंजक्शन की स्टडी कर रहे हैं, ओके, कंजक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि कंजक्शन मीन्स होता है कंजॉइन, ओके, ये कंजॉइन वर्ड से बना हुआ है जिसका मीन्स होता है सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को ज्वाइनिंग करना, ज्वाइन करना और उसका एक सेंस मेकिंग करना, ओके, यानी सेंस प्रोवाइड करना, वो हमारा होता है कंजक्शन। अब देखिए ट्रिक से आप लोग को क्या समझना है, ट्रिक से आपको याद रखना है जैसे हमने आपको बताया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सीएस पढ़ रहे हैं, अब सीएस सेकंड नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ सीएस याद रखना है, सीएस एंड पीडब्ल्यू तो आप जानते हैं, ठीक है, आप मैथ्स में भी देखिए स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जानते होंगे मैथ्स को LPW बोलते हैं ना, तो आप PW बोलिएगा, ठीक है, तो आप PW को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिकेट के अनुसार यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए CS से क्या मीन्स है और PW का क्या मीन्स है, तो CS यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो CA का मतलब हो गया क्लॉजेस, क्या हो गया, क्लॉजेस, ओके। यहाँ पर देखिए का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर देखिए तो CA का मतलब हो गया क्लॉजेस, ओके, अब हम बात करते हैं एस का मीन्स क्या हो गया, एस का मीन्स हो गया सेंटेंसेस, ओके, अब सेंटेंसेस, एंड अगर हम यहाँ पर देखें पी की बात करें तो पी का मतलब हो गया फ्रेजेस, अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का मीन्स हो गया आपका वर्ड्स, ओके, वर्ड्स। तो देखिए यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये समझना है कि कंजक्शन क्या है, जो किसी भी दो क्लॉजेस को, किसी भी दो सेंटेंसेस को, किसी भी दो फ्रेजेस को और किसी भी दो वर्ड्स को जो ज्वाइनिंग करने का काम करता है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसकी डिफिनीशन आपको यहाँ पर अगर देखिए आप इतना ही समझ लेते हैं तो आपको डिफिनीशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसको क्रिएट कर लेंगे, जो भी डिफिनीशन है उसको ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो हमने देखिए क्या बताया, तो डिफिनीशन आपको समझना है फिर से, अवर्ड यहां पर देखिए अवर्ड या वर्ड्स विच जॉइंस
टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू कंप्लीट सेंटेंसेस, ओके। और आप यहाँ पर देखिए, अगर हम पर देखिए अगर बात करें तो और आप लिख सकते हैं कि और टू क्लॉजेस, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड करता है इज कॉल्ड, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजक्शन। यानी कि फिर से यहाँ पर देखिए, हिंदी में भी आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आ वर्ड, ऐसा शब्द या ऐसे शब्द, ओके, वर्ड या वर्ड्स, ठीक है, ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, दो वर्ड्स को, यानी कि दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो कंप्लीट सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कंजक्शन क्या होता है। तो आपको यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको जो समझ में आ जाएँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, यहाँ पर देखिए आई लाइक हिम, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वो आई लाइक हिम डैट डस बना हुआ है। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, ओके। तो आपको ये ध्यान देना है कि आई लाइक हिम डैट डस, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, यानी मैं उसे पसंद करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, उसको यहाँ पर वही हमारा कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती, यानी मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सोचिए, जल्दी से थिंकिंग करिए कि आपका यहाँ पर कौन सा वर्ड्स आएगा, कौन सा कंजक्शन आएगा कि आपको यहाँ पर एकदम फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करे। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली जो है वो उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन यानी कि बट, ओके, लेकिन यानी कि क्या हो गया, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। तो इसी टाइप से आपको समझना है कि आपको लगाना क्या है कंजक्शंस के फॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आई लाइक हिम एंड बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, यानी मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली जो है वो उसे पसंद नहीं करती है। अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको अभी हम आपको इसको यहाँ पर अभी बताएंगे। अभी हम यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको थर्ड वाला बताते हैं। तो थर्ड वाला देखिए क्या है, राजन एंड राम आर गुड डांसर्स, यानी कि अगर हम बात करें तो राजन और राम दोनों ही क्या हैं, यानी कि दोनों ही एक गुड डांसर हैं, ठीक है, गुड डांसर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर आपको क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले में, तो हमारा जो बट लगाया था वो हमारा एज अ कंजक्शन का काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंजक्शन, देखिए अगर हम सेंटेंस फर्स्ट यहाँ पर देखें अगर, तो राजन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए राम आर गुड डांसर्स, तो कौन, सिर्फ यहाँ पर देखिए फुल कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, एकदम कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है राजन, और अगर इसको हम भूल जाएं, ठीक है। अब देखिए राम आर गुड डांसर्स, यानी कि इसका सेंटेंस आपका यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए दोनों को अगर हम मिला कर देखें तो राजन एंड राम आर गुड डांसर्स, यानी कि दोनों ही क्या हैं, गुड डांसर्स हैं, यानी कि जो एंड है यही हमारा क्या है, यही हमारा कंजक्शन है, ओके, यही हमारा कंजक्शंस का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, राजन एंड राम आर गुड डांसर्स। अब हमने देखिए इससे आपको क्यों नहीं बताया सेकंड वाला, तो देखिए द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो एप्पल है वो कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है, तो टेबल पर। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ये जो ऑन है ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है प्रीपोजिशंस को, किसको, तो प्रीपोजिशंस को शो कर रहा है। बट यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं आपको वो भी आप समझिए। कोई भी टीचर जल्दी आपको यहाँ पर देखिए ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर आखिर ये क्यों, यहाँ पर देखिए हमने आपको यहाँ पर इसलिए, मतलब किस लिए बता रहे हैं, तो इसको आपको समझ रहा है। तो देखिए इसीलिए इस एग्जांपल को भी हमने यहाँ पर पुट किया है ताकि आपको पूरा का पूरा समझ जाए कि आखिर समझ जाएं आप कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो ऑन है एज अ प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो होता है वो देखिए हमारा क्या करता है, TDS एंड पी भी आप बोल सकते हैं, यानी कि टाइम को डिनोट करेगा, शो करेगा डायरेक्शंस को, एंड यहाँ पर देखिए जो हमारा प्लेस है इसको भी, और इसी प्रकार से यहाँ
यहाँ पर देखिए रिलेशन को भी शो करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिलेशन को भी शो करता है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। बट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन ओनली कंजॉइनिंग का काम यानी जॉइनिंग का काम करता है, वो कोई भी डायरेक्शन या टाइम्स को शो नहीं करता है। ये आपको समझ रहे हैं, ओनली और ओनली फॉर वो जॉइनिंग का काम करता है, एक कम्प्लीट सेंस देता है जॉइनिंग करने के बाद। तो ये आपको समझना है कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको बता दिया है। ओके, तो ये आप उम्मीद करते हैं आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि देखिए जो ऑन है ये हमारा क्या बता रहा है, ऑन द टेबल यानी कहां पर है एप्पल, कहां पर है एप्पल, हमारा टेबल पर है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक प्लेस को शो कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, प्लेस डायरेक्शन एंड टाइम्स जो शो करता है, रिलेशंस को शो करता है, वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। बट यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, राजन एंड राम आर गुड डांसर्स। ओके, कोई भी मतलब एक प्रकार से आपका टाइम एंड प्लेसेस को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एज अ कंपाउंड आप कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेम वर्ड्स के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल कंजक्शन की, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पर सेंटेंस है कि आई लाइक बुक। ओके, मैं बुक को पसंद करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, आई लाइक पेन, उसके बाद ख़त्म है पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए आई लाइक बुक एंड आई लाइक पेन, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, देखिए दोनों ही सेम सेंटेंसेस हैं, बस यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको एंड से जोड़ देना है। एंड यानी ये हमारा कंजक्शन का काम करेगा जोड़ के, क्योंकि कंजक्शन हमारा ज्वाइनिंग का काम करता है, इसलिए दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो एंड का यूज़ करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों ही चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरली एंड का यूज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बुक यानी कि किताब और पेन को यानी कलम को पसंद करता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, तो इसका एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करें कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सा यहाँ पर आंसर आप लोग रिप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने आपसे बोला कि यहाँ पर देखिए ही is poor, ओके, वह क्या है, गरीब है, कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा क्या है, he is honest, ठीक है, honest। तो आप यहाँ पर देखिए बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम कंबाइंड करेंगे, ओके, यानी कि जोड़ेंगे कंजक्शन के थ्रू, तो हमारा कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसको बनाना है, तो आप लोग आंसर यहाँ पर देखिए रिप्लाई करेंगे जल्दी से, किस स्टूडेंट ने जल्दी आंसर दिया यहाँ पर उसको भी देखिए यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन, क्योंकि देखिए ये आपको रिप्लाई इसलिए करना है ताकि हम समझ सके कि आपको समझ में आ गया है। तो देखिए जिस स्टूडेंट को अगर समझ में आ गया होगा तो 100% वो आंसर कमेंट करेगा, वो भी एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ कंजक्शन कितने टाइप्स के आपके कंजक्शन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ओके, तो अब इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में अगर हम बात करें तो एडवर्सेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया और कैपुलेटिव हो गया, उसके बाद देखिए आपका इलेटिव हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग में, तो सबऑर्डिनेटिंग में भी यहाँ पर देखिए कई कंजक्शन होते हैं, आपका टाइम रिलेशनशिप होता है, मतलब टाइम को रिलेट करता है, और कंसेशन, कंपैरिजन एंड कॉज, या इसी को रीजन भी बोलते हैं, कंडीशंस को जो शो करता है, प्लेस को, और यहाँ पर पर्पस को, और यहाँ पर देखिए रिजल्ट एंड कंसिक्वेंस, वो इस कंसिक्वेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये इसके टाइप्स हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर देखिए एक एक करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर डिटेल्स में कवर कर देंगे कि आखिर क्या होता है, और यहाँ पर देखिए ट्रिक के साथ भी आप लोग को बता देंगे कि आखिर ये कौन कौन से कंजक्शन कहाँ पर यूज होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। बट यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको बता देते हैं, आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद ही हम यहाँ पर आपको बता देंगे सेकंड लेक्चर में आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा आपका कंजक्शन का, चैप्टर थर्ड का, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसको हम ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर बता देंगे कि आखिर क्या होता है,
सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ये कंजक्शन क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।